दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जब भी आप किसी को दान देते हो या कुछ बांटते हो तो उस समय आपके अंदर आपके मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है। इसे ठीक से समझने के लिए भगवान बुद्ध की यह कहानी और इसी वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई भागवत गीता में कुछ पॉइंट्स का विस्तार किया गया है, जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक अमीर आदमी था, वह निर्धनों या असहायों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता उससे ज्यादा उसका बखान करता था। इसी कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफी देर तक आत्म प्रशंसा करता रहा, फिर उठते समय अपने सहायक से संकेत किया। उसके सहायक ने तुरंत आगे बढ़कर बुद्ध के आगे रुपयों से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर आदमी की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखा तो वह अमीर आदमी बोला, आप पैसों की कमी के कारण अनेक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, मैंने सोचा आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर आदमी की बनावटी विनम्रता के पीछे उसके अहंकार को समझ गया और कहा, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। अमीर आदमी के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकरा दिया हो। उसे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, महात्मन, आप तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर रहे हो, ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दाता स्वयं को नहीं देता वह तो मिट्टी के बराबर होता है। दान से आशय है सम विभाजन, मतलब दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगी तो मैं जरूर लूंगा। बुद्ध की गहरी बातों को सुनकर अमीर का जमीर जाग उठा और उसने स्वयं की सोच में सुधार किया। दोस्तों, अगर इस चीज को यानी दान के बारे में भगवत गीता से समझे तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में श्लोक नंबर 20 अध्याय 17 में बोलते हैं, दातव्यम इति अध्यानम दियते अनुपकारिने देशे काले च पात्रे च तद्धानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात, जो दान कर्तव्य समझकर किसी के प्रति उपकार की भावना के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 21 अध्याय 17 में, यतु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अर्थात, किंतु जो दान प्रत्युपकार के भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्व किया जाता हो वह रजोगुणी कहलाता है। दोस्तों, क्या हम भी अपने जीवन में बिना कोई इच्छा रखे, बिना कोई स्वार्थ रखे किसी को दान करते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।